गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रियलिस्टिक पीरियड रूटीन। वैसे तो आज मैं पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरा फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा पेनफुल रहता है, एंड वैसे जब मुझे पीरियड होता है तब तुरंत मुझे पेन होना शुरू नहीं होता है, 2-3-4 घंटा बाद मुझे पेन होना शुरू होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और कल जब रोज़ा मैंने खोला उसके बाद थोड़ा देर बाद जब मैं नमाज़ पढ़ने गई तो मुझे ना कुछ फील हुआ। वॉशरूम में जाके देखी तो मेरा पीरियड हो चुका था, और देखा जाए तो पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, लाइक पहले जैसे 100% होता था तो अभी मुझे 40% होता है। बहुत सारा मैंने काढ़ा पिया है जिससे तो मुझे काफ़ी हद तक मुझे हेल्प मिला है। और जब भी हार्मोनल इनबैलेंस होता है तो ज़्यादातर होम रेमेडीज जो काढ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जब पीरियड का टाइम आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मुझे रिलीफ मिलता है। पीरियड के टाइम पे हीटर बैग तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है क्योंकि इसको 24/7 में चिपका के रखती हूँ, और 2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बैक में, मेरा लोअर बॉडी में, मेरा थाई पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे मैं जब इसको गर्म गर्म जब सेक लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। जैसे मुझे थोड़ा सा भी रिलीफ फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अब मैं काम कर सकती हूँ, तो अपने आप को ना बहुत अच्छा तरीका है डिस्ट्रैक्ट करना कि काम करना शुरू कर दे। तो उससे ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे पेन उतना उस टाइम फील नहीं होता जब मैं काम पे ध्यान में रहती हूँ। अकेला अगर बैठ के रहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। घर से दूर होके रियलाइज होता है कितना कुछ है जो हम कर रहे हैं। इमोशन और मेंटल सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि घर पे अम्मी सब कुछ करके देती थी, अब पेट में दर्द होता है तो मुझे ही कुकिंग करना पड़ता है, डस्टिंग करना पड़ता है, क्लीनिंग, उसके बाद काम पे भी जाना पड़ता है। बट यही तो लाइफ है, हम सारे लड़कियां जो जॉब करती है घर पे रहती है, फिर हमारी अम्मी लोग भी तो सब कुछ कर रही है। सो हम लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। और आज मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मेरा ना मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है शायद। फर्स्ट मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट का तासीर गर्म होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पीरियड का पेन से, और गर्म पानी पीने से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है जो ब्लड लॉस की रिकवरी और बॉडी को इस टाइम पे एनर्जेटिक रखने में हेल्प करती है। इस टाइम पे हेवी वर्कआउट करना नहीं चाहिए। मैं जिम जाती हूँ 5 दिन के बाद, बट कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ घर पे करूँ ताकि मेरा बॉडी थोड़ा सा मूवमेंट हो, इससे ब्लड का जो फ्लो रहता है बहुत ही स्मूथली जाता है। आज मैं ये नाइट सूट नया निकाल रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने अर्बनिक से लिया है तो आज मैं इसको ही पहनूंगी। पीरियड के टाइम पे हम सबको नहाना पसंद है, पर पीरियड के टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए 2-3 दिन। एंड जब भी आप नहाओ कोशिश करो गर्म पानी से नहाने का। गर्म पानी से अगर आप नहाते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एंड हमेशा कोशिश करना कि अपना हाइजीन को आप मेंटेन रखो पीरियड के टाइम पे। पीरियड के टाइम पे अपने पैंटी को डेटॉल में सोक करके रख दो 5-10 मिनट, उसके बाद क्लीन कर लो। अपने इंटीमेट एरिया को भी क्लीन करना मत भूलना, ये छोटी छोटी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीरियड के टाइम पे। पीरियड के फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे मैं अपना फुल स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे मैं फेस पे सनस्क्रीन लगा लिया है एंड बॉडी पे भी सनस्क्रीन लगा है, इतना ही काफ़ी है। एंड पीरियड के टाइम पे जो मैं पैड्स यूज़ करती हूँ आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे थोड़ा सा हैवी फ्लोर रहता है एंड लीकेज होने का डर भी रहता है, इसलिए मैं कौन सा यूज़ करती हूँ और बाकी टाइम पे कौन सा, वो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ।
पीरियड पैंटी जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। फर्स्ट डे सेकेंड डे के लिए मैं यूज़ करती हूँ, बाकी दिन के लिए जो स्टेफी का मैंने दिखाया कॉटन वाला वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि तब फ्लोर मेरा थोड़ा कम हो जाता है, इससे लीकेज नहीं होता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। एंड इसका साइज एम साइज, एस साइज और एल एक्सेल सभी साइज का मिल जाता है, बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है। सो मुझे तो यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा। पीरियड के टाइम पे मैं कुछ योगा फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा पीरियड का जो पेन रहता है वो काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ देता है। मुझे पहले ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, इतना था कि मैं उठ नहीं पाती थी। जब से मैंने योगा करना शुरू किया है मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मेरा बहुत हद तक मुझे हेल्प किया है। आप लोगों को भी पीरियड में अगर बॉडी में, पेट में, कहीं पे भी आप लोगों को पेन हो रहा है, आप लोग 15 से 20 मिनट एटलीस्ट घर पे आराम आराम से योगा करो, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ये मेडिसिन से भी ज़्यादा हेल्प करता है। पीरियड के टाइम पे तो हिम्मत ही नहीं होता है कुकिंग करे, पर बाहर का खाना कभी खाना नहीं चाहिए, घर का ही खाना खाना चाहिए। मुझे ना दिल ही नहीं करता है हेवी कुछ खाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ लाइट सब बना रही हूँ। और मैंने कोकोनट वाटर ऑर्डर दिया था, मेरे 7-8 दिन का एक साथ मंगवा लेती हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं पीती रहती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे लिए बाज़ार से जाके लाना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और आप लोगों की एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप लोग अगर एक साथ मंगवा रहे हो ना तो पानी में डुबो के बड़े जगह पे रख देना, वो अच्छा रहता है, कहीं पे मैंने देखा था इसलिए मैं करती हूँ। सो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ, बहुत ही ईजी रहता है, मेरा तो बहुत झटपट बन जाता है, इसलिए मैं सैंडविच मुझे एक सेफ साइड रखता है, तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पे जो ब्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं, मल्टीग्रेन ब्रेड है, इसमें सारे चीज़ देख पा रहे हो, जितना भी सीड से लगा है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें कोई भी मैदा नहीं होता है। और यहाँ पे मैं 2 पीस का ही बना रही हूँ, क्योंकि इतना ही काफ़ी है, दिल तो नहीं है पर करना तो पड़ेगा ब्रेकफास्ट। पीरियड के टाइम पे कोशिश करना कि घर पे ही कुछ ना कुछ बना के खाओ, अगर मम्मी के साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अकेला भी रहते हो तो घर पे कुछ भी बना के खाओ, पर बाहर का कुछ मत खाना, क्योंकि बाहर का जब भी खाते हो पेट का जो पेन है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब फिर से मैंने हीटर बैग लेके मैं बैठ गई, क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, वो सारे चीज़ करके मुझे देना है, तो मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा चाहे पीरियड में पेन हो और कुछ भी हो, क्योंकि जब तक कमाएंगे नहीं खाएंगे कैसे। सो काम करना तो पड़ेगा, पर काम के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे कोकोनट वाटर भी पी रही हूँ, और पूरा 2 लीटर पानी मैंने डाल के रखा है, ताकि मैं पूरा दिन सिप सिप करके पीऊँ। पीरियड में ऐसा नहीं है कि पीरियड हुआ है तो पानी पीना बंद करोगे, डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को हाइड्रेट रखने का। और यहाँ पे मैं अपने कैट को थोड़ा सा लाड कर रही हूँ, क्योंकि आज आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ उसका बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण मुझे भी हुआ है, जिससे मेरा पूरा बॉडी में ना ब्लैक ब्लैक गोल गोल, उसको जैसे गोल गोल हुआ है मुझे भी हुआ है, एंड उसके कारण मेरा बॉडी में पूरा दाग हो गया है, तो मेरा दाग पता नहीं कब जाएगा या जाएगा भी नहीं, छोड़ो मेरा बच्चा को तो ठीक हो जाए, तो यहाँ पे मैं उसको स्प्रे कर रही हूँ, ये वाटर स्प्रे है, पर पता नहीं कब ठीक होगा, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए, और आप लोग भी प्लीज़ दुआ करना। और मैं उसको यहाँ पे कॉलर लगा दे रही हूँ, ताकि आपने आपको लीक ना करा रहे, ये ना चुपचाप अभी बैठ के रहेगा, अभी हिलेगा भी नहीं जब तक ये कॉलर लगा रहेगा। काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब 3:30 बज गया है, और लंच का भी टाइम निकल गया, और मेरे को दिल भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो यहाँ पे मैं लस्सी पी रही हूँ, ये मैंने घर पे बनाया था विदाउट शुगर।
जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रहा है मेरा पार्सल भी बढ़ता जा रहा है, सो यहाँ पे मैं सारे चीज़ को सेट कर रही हूँ और अभी तक मैंने ओपन करके भी नहीं देखा है क्योंकि मेरे पास उतना अभी टाइम भी नहीं है। बहुत ही हेक्टिक डे चल रहा है अभी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी काफ़ी हद तक मेरा पीरियड का पेन अभी ठीक है, तो सुबह में जो मेरा काम था, जो पेंडिंग में था, जो मैंने किया नहीं था, वो सारे चीज़ अभी मैं कर रही हूँ। शेयर कर रही हूँ, मुझे एक डॉक्टर ने बोला था कि घर पे इंडोर प्लांट लगाया करो, उससे फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि ऑल टाइम तो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं और उतना बड़ा बड़ा गार्डन भी नहीं होता है। सो ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में ऐड किया है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। बेडशीट जब भी धोती हूँ रात में वह ऐसे भिगो देती हूँ, फिर सुबह में धो लेती हूँ, तो कल मैं सुबह इसको क्लीन कर लूँगी। घर में कुछ सब्जी फ्रूट्स लाना था इसलिए मैं मार्केट गई थी और सारी चीज़ में लाके मैं अच्छे से फ्रेश हो गई और मैंने एक लूज सा गाउन पहन लिया क्योंकि पीरियड टाइम पे थोड़ा सा लूज कपड़ा अच्छा लगता है। सुबह जब मैं आज उठी तो मुझे ऐसा लगा पूरा दिन मेरा कैसे निकलेगा, कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँगी, इतना सारा काम है कौन मेरा करके देगा। पर देखते ही देखते पूरा दिन निकल गया और मैंने सारे चीज़ कर लिया। तो मेंटली अगर स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, इसीलिए बोलते हैं ना लड़की सब कुछ कर सकती है। डिनर पे मैं रागी का रोटी और चिकन ले रही हूँ। आज मैंने पूरा दिन में, मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट उतना अच्छे से नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन था, दोपहर में भी तो कुछ नहीं खाया था, तो रात में मैं अच्छे से डिनर कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उतना पेन भी नहीं है और मैं हाई प्रोटीन अभी डाइट ले रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीरियड के टाइम पे अपना डाइट को मेंटेन करके रखना। पीरियड के टाइम पे एक दो दिन मुझे उतना कुछ करने का दिल नहीं करता है स्किन केयर में, तो यहाँ पे मैं नाइट में भी कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे शीट मास्क लगा रही हूँ। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, अब लगाने पर भी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा चिल रहता है और अभी समर का टाइम है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और पीरियड के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है खट्टा खाने का, मीठा खाने का, या फिर बहुत सारा लड़की लोग तो पानी पूरी भी खाने चले जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं आमलोकी का एक गोली ले रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर ये हेल्दी है और रॉक सॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिल करता है तो मैं एक पीस ले लेती हूँ। और अभी मैं शीट मास्क लगा के थोड़ा सा बुक्स पढ़ूंगी, थोड़ा सा चिल करूँगी। सो मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन डन, इससे ज़्यादा मेरा को दिल नहीं और कुछ करने का। और अब मैं ब्रश कर रही हूँ सोने से पहले, और सोने से पहले मैं एक टी पीऊँगी, उसके लिए चाहिए सिनेमन स्टिक और 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी जब 1 कप हो जाएगा तब इसको उतार देना है और इसको सिप सिप करके पीना है, इससे आपका पीरियड में जो रिलीफ मिलेगा, जितना पेन होता है बैक में थाई में, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग ज़रूर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे मेरा कप ना थोड़ा सा पानी लीक हो रहा था इसलिए मुझे लगा कि टूट गया, पता नहीं चल रहा है, तो यह दूसरा कप में इसको मैंने डाल लिया है। और इसका ना फुल जो जितना सारा इन्फॉर्मेशन है सिनेमन टी का ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैंने शेयर किया है, तो आप लोग किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको जाके आप लोग देख लेना। सो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, पीरियड रियलिस्टिक रूटीन, जो मेरा हर महीना कुछ ऐसा ही रहता है, पर इस बार मेरा 2 दिन ऑफ था तो थोड़ा बहुत घर पे रह के ही चल गया, अदरवाइज़ ऑफिस भी जाना पड़ता है, ऊपर से इतना सारा काम भी होता है, पेन भी रहता है, हर एक चीज़ मैनेज करना होता है जो कि हम सारे लड़कियां ही करते हैं। सो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, प्यार करो, मुझे भी प्यार दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।